इस पोस्ट कैबिनेट ब्रीफिंग में आपका स्वागत है। आज मंत्रिमंडल की बैठक माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनाई गई है, जिसे हिमाचल प्रदेश सरकार ने अडॉप्ट किया है, उसमें प्री प्राइमरी को बहुत महत्व दिया गया है। और हिमाचल प्रदेश उन प्रदेशों में से है जहां प्री प्राइमरी क्लासेस राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने से पहले ही प्रारंभ कर दी गई थी। प्री प्राइमरी क्लासेस को अभी तक जितने स्कूलों में प्रारंभ किया गया, उसमें हमारे जो प्राइमरी क्लासेस के टीचर हैं JBTs, उन्हीं को विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग देकर के जो है वो दायित्व सौंपा गया था पढ़ाई का। आज मंत्रिमंडल ने एक निर्णय लिया है जिसके अंतर्गत R&P रूल्स जो हैं वो बनाए जाएंगे प्री प्राइमरी टीचर्स की रिक्रूटमेंट के लिए। और जब तक ये R&P रूल्स बन नहीं जाते, फाइनलाइज नहीं हो जाते, तब तक शिक्षा विभाग जो है वो HPSCDC इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है, जो आउटसोर्सिंग का भी काम करता है, उसके थ्रू आउटसोर्स बेसिस पर इन प्री प्राइमरी टीचर्स ट्यूटर्स जो हैं वो इनकी नियुक्ति करेगा। और ऐसे सभी अध्यापक या ट्यूटर जो नाम इसका रखा जाएगा, उन्हें 9000 रुपये प्रति माह जो है वो मानदेय दिया जाएगा। इसमें एक साल का सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा जो किया है वो मान्य होगा, वैसे 2 साल का ही इसमें मान्य है, लेकिन जो 1 साल वाले हैं उनके लिए ब्रिज कोर्स जो है वो करवाया जाएगा, क्योंकि NCT की रिक्वायरमेंट के अनुसार भी जो है वो ये कदम उठाया गया है। ये ब्रिज कोर्स की पॉलिसी जो है फ्रेम की जाएगी, ताकि उनको भी इस कोर्स के लिए इलिजिबल जो है वो किया जा सके। मंत्रिमंडल ने आज एक निर्णय लेते हुए, जो हमारा एडिबल ऑयल है, खाने का तेल जो है, खास करके जो है वो फोर्टिफाइड मस्टर्ड ऑयल और फोर्टिफाइड सोया रिफाइंड ऑयल, इसमें जो है वो सब्सिडी दुगनी कर दी है। पहले जहां 5 रुपए दी जाती थी, अब वो 10 रुपए कर दी है। ये NFSA के अंतर्गत जो तेल जिनको दिया जाता है, उनके लिए 10 रुपए से बढ़ाकर के 20 रुपए कर दी है। 5 से 10 सबके लिए है, 10 से 20 NFSA के अंतर्गत जिनको दिया जाता है, खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत जो आते हैं उन्हें 20 रुपए की सब्सिडी कर दी गई है। ये 7 महीने के लिए है, दिसंबर 2022 से मार्च तक के लिए
इसी के आधार पर जो है वो तेल जो है वो बेचा जाएगा। मंत्रिमंडल ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जल शक्ति विभाग और लोक निर्माण विभाग, इन तीनों विभागों के अपने सर्किट हाउस, रेस्ट हाउस या आपकी इंस्पेक्शन हट्स जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के स्थान स्थान पर हैं, लेकिन वहाँ पर कोई प्रॉपर जो है वो उसकी मेंटेनेंस के लिए, खाना इत्यादि बनाने के लिए जो है वो स्टाफ की रिक्रूटमेंट आज तक नहीं हुई है। मंत्रिमंडल ने जो है निर्णय लिया है कि जिसमें वन विभाग में आज मुख्य रूप से जो है वो निर्णय लिया गया और उसमें 499 पैरा कुक्स लगाए जाएंगे और 563 पैरा हेल्पर्स लगाए जाएंगे, जो 499 फॉरेस्ट रेस्ट हाउसेस और इंस्पेक्शन हट्स को जो है वो पूरे प्रदेश में जो है उसकी मेंटेनेंस और वहां काम जो है वो करेंगे। इसी प्रकार से जो है इसी एनालॉजी पर आईपीएच और लोक निर्माण विभाग में भी जो है वो भर्तियां जो है वो उनकी सब स्थानों पर रेस्ट हाउस, सर्किट हाउस में की जाएगी। आज मंत्रिमंडल ने जो विश्व बैंक पोषित योजना है, हिमाचल पावर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसकी टोटल कॉस्ट जो है वो 2000 करोड़ रुपए है, जो टाइमली मॉनिटरिंग करेगा, इम्प्लीमेंटेशन करेगा और वेरिफिकेशन करेगा, जितने भी पीएमयूज हैं डायरेक्टरेट एनर्जी में, उसका जो स्ट्रक्चर, फर्निशिंग, फंक्शनिंग इत्यादि है, उसको अप्रूवल जो है वो स्वीकृति मंत्रिमंडल ने प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने जो शिक्षा विभाग में वाटर कैरियर्स 11 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं एज पार्ट टाइम वाटर कैरियर और डेली बेसिस पर, उन्हें 31 मार्च 2022 और 30 सितंबर 2022 को जो है वो रेगुलर जो है वो कर दिया जाएगा। फिर मंत्रिमंडल ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में 5 स्थानों पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के न्यायालय खोलने को जो है मंजूरी प्रदान की है, जिनकी संस्तुति हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा भी की गई है। इनमें नूरपुर, देहरा और पालमपुर, ये कांगड़ा जिला में है, पौंटा साहब सिरमौर जिला में है और रोहडू शिमला जिला में है। इन सब स्थानों पर जो है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के कार्यालय परमानेंट जो है वो एस्टेब्लिश किए जाएंगे। मंत्रिमंडल में नेर चौक में जो नर्सिंग कॉलेज है सरकारी, उसमें 5 पद जो है वो विभिन्न विषयों के भरने को भी मंजूरी प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने फिर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुटना और विज्ञान की कक्षाएं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल
मतलब यहाँ ऊपर जो मैंने बताया कुटना में यहाँ कॉमर्स की क्लासेज हैं और विज्ञान की क्लासेज जो हैं वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल ग्योरा और साइंस तथा कॉमर्स की क्लासेज गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल धनेटी कांगड़ा जिला में इनको भी मंजूरी प्रदान की है। सोलन के धर्मपुर में 3 पद डॉक्टरों के, 2 पद पैरा मेडिकल स्टाफ के और 6 पद नर्सिस के जो हैं वो 50 बिस्तरों वाले सिविल हॉस्पिटल धर्मपुर में खोलने को मंजूरी प्रदान की है। टरखोला जो है वो धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है मंडी जिला में, वहाँ पर जो है वो नया आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर खोलने को मंजूरी प्रदान की है, साथ में पदों का सृजन भी किया है। इसी प्रकार से जो है वो स्को जो जी ग्राम पंचायत टीरा में है और पपलोग जो धर्मपुर क्षेत्र में पड़ता है मंडी जिला के, वहाँ पर भी जो है वो नया आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर खोलने को मंजूरी प्रदान की है, जिसके लिए 6 पद जो हैं विभिन्न कैटेगरीज के सृजित किए जा रहे हैं। मंडी जिला के गोहर डेवलपमेंट ब्लॉक में जो है वो ग्राम पंचायत बाड़ा में एक एग्रीकल्चर सेल सेंटर जो है वो खोला जा रहा है। सोलन जिला के स्पाटू में नई सब तहसील खोली जा रही है, जिसमें 12 पद जो हैं वो सृजित किए जा रहे हैं। इसी प्रकार से ठियोग तहसील से निकाल करके मतियाना में जो है सब तहसील का सृजन किया जा रहा है और इसके लिए भी 12 पद जो हैं वो स्वीकृत किए जा रहे हैं। फिर हमीरपुर के बड़सर तहसील में जो है गंगोट में एक नया पटवार सर्कल खोला जा रहा है। पलदिया जो शिमला जिला में है वहाँ पर जो है वो सब तहसील खोली जा रही है, जिसके लिए 12 पद सृजित किए जा रहे हैं। तलाई जो झंडूता तहसील के अंतर्गत आता है बिलासपुर जिला में, वहाँ भी 12 पदों के साथ सब तहसील खोली जा रही है। शिमला जिला के ही कोटी नामक स्थान पर जो शिमला ग्रामीण में आता है, ग्रामीण मतलब सब डिवीजन में सुमटी कंस्टिट्यूंसी है, वहाँ पर भी जो है सब तहसील खोली जा रही है, मतलब एक बलदेया और एक कोटी, 2 सब तहसील ही हैं वहाँ पर, इसमें भी 12 पद सृजित किए जा रहे हैं। कांगड़ा जिला के सिविल हॉस्पिटल ज्वाली में 50 बिस्तरों के स्थान पर 100 बिस्तरों का जो है वो हॉस्पिटल बनाने को मंजूरी प्रदान की है। इसी प्रकार से जो है वो सिविल हॉस्पिटल गोहर जो मंडी जिला में है उसको भी 100 बिस्तरों वाला बनाया जा रहा है, इसके लिए पद भी सृजित किए गए हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर चौक जो मंडी जिला में है इसे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में अपग्रेड किया जा रहा है। ग्राम पंचायत सारी में फियार के स्थान पर और चीज
जो ग्राम पंचायत ग्वेला में आता है मंडी जिला में, वहां पर नया हेल्थ सब सेंटर खोले जा रहे हैं। मंडी जिला के सिहो में जो है वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर को 30 बिस्तरों वाला CHC बनाया जा रहा है। फिर परकोठी जो तहसील नेहरी जो है मंडी जिला में, वहां पर नया प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोला जा रहा है। सुंदरनगर विधानसभा में 76 के स्थान पर जो है वो एक हेल्थ सब सेंटर खोला जा रहा है। ग्रामीण विकास विभाग में 5 पद चालक के ड्राइवर्स के जो है वो डेली वेजिस बेसिस पर जो है सृजित किए जा रहे हैं। फिर ददाहू जो है सिरमौर जिला में, वहां पर नया डेवलपमेंट ब्लॉक ऑफिस खोला जा रहा है, जिसके लिए पदों का सृजन भी जो है वो किया जा रहा है। कांगड़ा जिला के इंदौरा में जो वेटरनरी हॉस्पिटल है उसे वेटरनरी पॉली क्लिनिक में अपग्रेड किया जा रहा है, जिसके लिए पदों का भी जो है वो सृजन किया जा रहा है। पीरन जो सुमटी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, रिमोट एरिया है, वहां पर वेटरनरी डिस्पेंसरी को अपग्रेड करके वेटरनरी हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, जिसके लिए 3 पदों को सृजित करने का भी निर्णय लिया गया है। सुमटी विधानसभा क्षेत्र में ही नाला नामक गांव में नई वेटरनरी डिस्पेंसरी खोली जा रही है। फिर मंडी जिला के संधोल में जो है वो कुजवाला नामक जगह पर नई राजकीय ITI खोली जा रही है, जिसके लिए पदों का भी सृजन जो है 26 पदों का सृजन किया गया है। तिहारा और छोलथरा धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत इनके बीच में एक राजकीय पॉलिटेक्निक जो है वो खोलने का को मंजूरी प्रदान की है, जिसके लिए 42 पदों का सृजन भी किया गया है और इसमें बी फार्मेसी कोर्स को भी शुरू किया जाएगा। जल शक्ति विभाग का एक मंडल जो है डिवीजन कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो कांगड़ा में खोला जा रहा है, इसके लिए रिक्विजिट नंबर पोस्ट भी क्रिएट की जा रही हैं। एग्रीकल्चर के जो है वो SMS का ऑफिस बसाल ऊना जिला में जो है वो खोला जा रहा है। मंत्रिमंडल ने आज ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को, परिवहन विभाग को जो है वो एक वर्ल्ड बैंक के जो का फंडेड प्रोजेक्ट है, HP मोटर व्हीकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ HP डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट,
जो वर्ल्ड बैंक के कंपोनेंट के अनुसार होगा उसको जो है वो मंजूरी प्रदान की है। हिमाचल प्रदेश मोटर व्हीकल एडमिनिस्ट्रेशन वन स्टॉप सेंटर होगा सभी नागरिकों के लिए, नागरिक सुविधाओं के लिए, जिसमें सारी जो परिवहन से संबंधित जो है सूचनाएं हैं या सेवाएं हैं वो ऑनलाइन होंगी। और इसके लिए चाहे वो लाइसेंसिंग की हो, रजिस्ट्रेशन की हो, एमिशन की हो, एमिशन कंट्रोल की हो, व्हीकल टेस्टिंग की हो, ये सारी सेवाएं जो है वो एक अम्ब्रेला के नीचे जो है मिलेंगी। ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है फंडेड होगी और उस वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोग्राम को मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने अर्की विधानसभा के क्षेत्र के अंतर्गत जो है दाड़ला घाट में नया डेवलपमेंट ब्लॉक ऑफिस खोलने का जो निर्णय है वो लिया है। यहाँ पर बीडीओ ऑफिस खोला जा रहा है जिसके लिए पदों का सृजन भी किया जा रहा है। फिर इसी प्रकार से जो है वो बाली चौकी मंडी जिला में जो है उस ब्लॉक के अंतर्गत एक एग्रीकल्चर का SMS का दफ्तर जो है वो खोला जा रहा है, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट जो होता है। मंत्रिमंडल ने जो है वो धर्मपुर में मंडी जिला में एक फायर सब स्टेशन खोलने को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने जो है वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल तुल्हा और घरान जो मंडी जिला में है वहाँ साइंस क्लासेस शुरू करने को मंजूरी दी है। गवर्नमेंट हाई स्कूल खोखन को अपग्रेड करके सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाया जा रहा है। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल नगोठी और नरोगी जो कुल्लू जिला में है उनको हाई स्कूल में अपग्रेड किया जा रहा है, इसके लिए साथ में पदों का सीजन भी हो रहा है। मंत्रिमंडल ने फिर गवर्नमेंट हाई स्कूल तालियां और बैराघाट जो कांगड़ा जिला में है उन्हें गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अपग्रेड किया जा रहा है। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल चहरी और बालोल जो कांगड़ा जिला में है उन्हें गवर्नमेंट हाई स्कूल में परिवर्तन किया जा रहा है। फिर इसी प्रकार से जो है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स भलवाड़, तुंगाधार, रूलमणि और डगैल जो मंडी जिला में है उन्हें मिडिल स्कूल बनाया जा रहा है। इसके लिए 40 पद जो हैं विभिन्न कैटेगरी के जो हैं सृजित किए जा रहे हैं। मंत्रिमंडल ने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स रानी कोटला, स्वार घाट और टोबा जो श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र में आते हैं बिलासपुर में वहाँ पर विज्ञान की कक्षाएं प्रारंभ करने को मंजूरी दी है, इसके लिए रिक्विजिट पद भी भरे जाएंगे। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स पुड़वा, कंडी, धौलरन और ऊपरली कोठियां जो कांगड़ा जिला में है यहाँ पर कॉमर्स क्लासेस शुरू की जाएंगी। स्वारघाट में जो BPEO ऑफिस है उसे बाइफरकेट करके जो है वो नया एलिमेंट्री एजुकेशन ब्लॉक ऑफिस
जो है वो श्री नैना देवी जी में खोला जा रहा है। मंत्रिमंडल ने फिर सोलन जिला के चंडी, कांगड़ा जिला के चढ़ियार, शिमला जिला के जलोग और हमीरपुर जिला के लम्बलू और कांगड़ा जिला के कोटला में जो है वो नए राजकीय महाविद्यालय खोलने को मंजूरी प्रदान की है। इसके लिए सभी महाविद्यालयों में 16 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी प्रदान की है और 5 करोड़ सभी स्थानों पर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए मंजूरी प्रदान की है। फिर मंत्रिमंडल ने गवर्नमेंट हाई स्कूल मलोखर और मरोटन बिलासपुर जिला में, गवर्नमेंट हाई स्कूल मोहलू खराडा मंडी जिला में, गवर्नमेंट हाई स्कूल जंदपुर कांगड़ा जिला में, गवर्नमेंट हाई स्कूल पटगहर मुंडू मलोक और बनी जो शिमला जिला में है, इनको सीनियर सेकेंडरी स्कूल में परिवर्तित करने का, अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। और गवर्नमेंट मिडिल स्कूल ददोह और मोहर बिलासपुर जिला में, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल उत्तपर दोहन और समटेहन मंडी जिला में जो है वो, और गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मटियूड़ा शिमला जिला में, मिडिल स्कूल कोटी और ज्ञान सोलन जिला में, और गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जोल हमीरपुर जिला में, इन सबको जो है गवर्नमेंट हाई स्कूल में अपग्रेड किया जा रहा है। फिर प्राइमरी स्कूल काशला मंडी जिला में, प्राइमरी स्कूल ददूजा शिमला जिला में जो है वो इनको मिडिल स्कूल पर में परिवर्तित किया जा रहा है, जिसके लिए 133 पद जो हैं वो सृजित किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुटाहची और चचोट मंडी जिला में जो है वो, वहाँ पर विज्ञान की कक्षाएं प्रारंभ की जा रही हैं। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सारी और सधोट जो मंडी जिला में है, वहाँ भी साइंस और कॉमर्स की क्लासें शुरू की जा रही हैं। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मंडा जो मंडी जिला में है, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल लाना मोही सिरमौर जिला में है, और गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल लॉट कांगड़ा जिला में है, इन्हें जो है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में अपग्रेड किया जा रहा है अलोंग विद पोस्ट क्रिएशन। फिर मंत्रिमंडल ने गवर्नमेंट हाई स्कूल लुदर को सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अपग्रेड कर रहे हैं। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल्स खतरवार और नगरोटा गाजियां हमीरपुर जिला में हैं, इन्हें हाई स्कूल बनाया जा रहा है, जिसके लिए 22 पद जो हैं वो स्वीकृत किए गए हैं। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोसरिया और सलवार जो बिलासपुर जिला में है, वहाँ पर विज्ञान की कक्षाएं प्रारंभ की जा रही हैं। मंत्री
मंत्रिमंडल ने आज जो निर्णय लिए हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। आपको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। एनटीटी के कितने टोटल पोस्ट थे? जैसे मैंने कहा कि एनटीटी जो है वो अभी प्राइमरी स्कूल केवल लगभग 4700 हैं जो प्री प्राइमरी क्लासेस चलाते हैं। सर, इसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स को कुछ वरीयता का प्रावधान भी है या रोस्टर फॉलो करेंगे? अभी पॉलिसी बनाई है, अभी आरएनपी रूल्स बनाने को मंजूरी प्रदान किया कि इसके लिए आरएनपी रूल्स जो है बनाई जाए, क्योंकि परमानेंट जो रिक्रूटमेंट होगी वो आरएनपी रूल्स के बनने पर ही होगी। उसमें क्वालिफिकेशंस भी, किस किस स्कूल में जाना है, उसमें कौन सी कैटेगरी जो है वो भर्ती हो सकती है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन रूल्स में होती हैं, तब जो है वो परमानेंट रिक्रूटमेंट होगी। लेकिन अभी हमारे कुछ स्कूल चलते हैं, प्री प्राइमरी क्लासेस हैं, और हम बाकी भी स्कूलों में प्री प्राइमरी क्लासेस जो हैं वो चलाने की जो है योजना है, इसलिए उन स्थानों पर जो है वो हम फौरी जो है वो भर्ती कर दी जाए। इसलिए इनको इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन, जो हमारा आउटसोर्सिंग का काम भी करती है, कॉरपोरेशन है, सरकारी कॉरपोरेशन है, उनके थ्रू जो है वो मानदेय के ऊपर जो है इनको भरा जाएगा, जिसके लिए मैंने बताया कि अभी 9000 जो है वो इसके लिए जो है वो मंथली वेतन दिया जाएगा, जो मानदेय कह सकते हैं, वेतन कह सकते हैं, और ये एक ट्यूटर टाइप होंगे। लेकिन आने वाले समय में एनटीटी जो है वो भरी जाएगी, ये महत्वपूर्ण है आज के निर्णय के लिहाज से, क्योंकि परमानेंट के लिए भी और टेम्परेरी पोस्टिंग रिक्रूटमेंट के लिए भी, तो उसमें जो है वो टेम्परेरी किस आधार पर भर जाएंगे वो भी मैंने बताया है, और परमानेंट के लिए तो आरएनपी रूल्स को बनाने के निर्देश विभाग को दे दिए हैं, ये आज की कैबिनेट का निर्णय है। धीरे धीरे एजुकेशन के सब मामले आप के न्यूज से बाहर होते जा रहे हैं। इसके अलावा तो नहीं जो बता दिया आपको, इसके अलावा क्या होगा आपको जो है वो